नमस्ते, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मतगणना का दिन है और मतगणना के दिन कई जगहों से अब नतीजे आ गए हैं। देखिए, हाई प्रोफाइल हॉट सीट कई सारी ऐसी हैं जिन पर अभी भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक हो रही है। आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर दोपहर 3:30 बजे बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तमाम शामिल होंगे। क्या रणनीति बन सकती है, नंबर्स को लेकर अभी आने वाले समय पर क्या विचार करेगी बीजेपी, ये बैठक में हो सकता है तय हो। आने वाले समय पर किस तरह की रणनीति होगी, क्या प्लान होगा बीजेपी का, हो सकता है इस बैठक में इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो। 3:30 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक जेपी नड्डा के आवास पर। लखनऊ से खबर आपको बता दी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया का बयान सामने आया है। कहा, गठबंधन की सरकार बन रही है, जनता ने खटाखट बटन दबाया। अनादित्य टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, जनता ने भरपूर साथ दिया है, खटाखट बटन दबाया है, दबा बटन दबाकर गठबंधन को आगे किया है। तनुज पुनिया का कहना है, देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बड़ी बढ़त को लेकर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते। देखिए, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता ने जिस तरह से ईवीएम में खटाखट 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 वोट भरे हैं, उसी तरह से जो है मोदी जी की सरकार भी अब खटाखट 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 निकलने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़्यादा मतों से बहुत ज़्यादा सीटों पे निकल रहे हैं और सरकार बननी तय है अपने इंडिया गठबंधन के साथ। पुनिया कह रहे हैं, खटाखट बटन दबाया जनता ने और गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया है। ये बयान आया है तनुज पुनिया का, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और देखिए, आप टेली देखना शुरू कर दीजिए तो यहां पर आप नंबर्स देखेंगे। अब नंबर्स में चेंजेस आ गए हैं क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी ने सीट जीत ली है, तो कहीं जीत दर्ज कर ली है, तो कहीं जो अभी रुझान है उनमें अभी और भी इंतजार की बात तमाम दल कहते हुए, दोनों ही खासतौर पर इंडिया और एनडीए दोनों की तरफ से सामने आ रही है। वहीं अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां हाल ही में खबर आई कि सम्राट साहब पहुंचे थे नीतीश जी से मुलाकात करने के लिए। नीतीश जी ने कहा, मैं लंच करने जा रहा हूँ, और इस तरह की और भी ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। क्योंकि अब देश में सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और तोड़फोड़ कौन करेगा, कौन किसके साथ जाएगा, या फिर बीजेपी सरकार बना रही है या फिर जो विपक्षी अलायंस है इंडिया, वो कह रहे हैं हम भी सरकार बना रहे हैं, तो उनकी तरफ से पीएम कौन बनेगा, जो दल हैं आपस में मिलजुल कर आगे भी बढ़ेंगे, कई सारे सवाल अब पैदा होते हुए दिख रहे हैं। और चलिए, अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार जो टैली है वो चेंज होती हुई दिख रही है। हालांकि क्योंकि बड़ा राज्य है, बड़ा स्टेट है, तो चीज़ें थोड़ा सा धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई सारी स्थितियां अब स्पष्ट वहां पर भी हो रही हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए, बहुत स्वागत करती हूँ केसी जैन साहब। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए, स्वागत सर आपका भी। सपा से हमारे साथ नितेंद्र जी बने हुए, नितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कांग्रेस और सपा को, क्योंकि बड़ी बढ़कर सीटें, काफी अच्छा प्रदर्शन, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है, लेकिन अभी भी ये बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त की सरकार बना रही है। केसी जैन साहब, नंबर्स वो नहीं है जो अब तक दहाड़े जाते थे अलग अलग डिबेट्स में, क्या कहेंगे? ऑडियो सर आपका, देखिए म्यूट तो नहीं डिवाइस, जल पानी मिश्रा दे। हां जी, कही आ रही आवाज। जी जी, आवाज मिली हमारी आपको? हां जी जी पारू। देखिए, हम लोग 400 का आंकड़ा लेकर के चले थे, और जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य से जब हम ज्यादा टारगेट लेकर के चलते हैं जिससे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, तो ये उम्मीद जरूर थी कि 350 प्लस सीटें जरूर आएंगी, लेकिन तब भी हम 300 प्लस का आंकड़ा पार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठाते थे, जो लोग चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे, जो लोग मतगणना पे सवाल उठाते थे, जो लोग कहते थे संविधान खतरे में है, तो आज उनको लग रहा है कि उनकी बढ़त हुई है, तो आज उस पर किसी पे भी सवाल नहीं हुआ। कल तक जब एग्जिट पोल आ रहा था तब तक भी सवाल उठ रहे थे कि चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा, ईवीएम पे गड़बड़ी हो जाएगी, ईवीएम हैक हो जाएगी। कम से कम उनका चुनाव आयोग पे भरोसा बढ़ा,
कम से कम आज संविधान खतरे में नहीं रहा, कम से कम आज ये मशीनें ठीक हो गई, कम से कम विपक्ष ने ये तो स्वीकारा, और उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बन रही है। आप क्या कहेंगे, मुझे पता नहीं, 32 सीटें सर, 32 सीटें महज, 45 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, ये आपको भी आकलन करना होगा क्या हो रहा है, ये तमाम प्रेशर आपने लगा दिया, सब कुछ कर दिया, 32 सर। नहीं नहीं पारुल जी देखिए, हम चाहे जीते चाहे हारे, आपके साथ हम बहुत बार डिबेट में बैठे हैं और लगभग हर चरण के चुनाव में डिबेट में हम लोग रहे हैं। हमने तब भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे मेहनत करती है, मेहनत के चुनाव के साथ चुनाव लड़ती है। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं पे हमने मेहनत नहीं की इसलिए कहीं पे हम पीछे रह गए, मेहनत हमने पूरी की, फिर भी किन चीजों में कमी रह गई, क्या रहा, जिससे कि जो आंकड़ा हम लोग सोच करके चल रहे थे वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। कर दीजिए, मैं बता चुकी हूं आंकड़े, 45 इंडिया, 32 एनडीए। हां जी सर, केसी जैन साहब कहिए, सर जैन साहब कंप्लीट कीजिए। जहां तक ये उत्तर प्रदेश को लेकर के है या वेस्ट बंगाल को लेकर के, बिल्कुल यहां पर कहीं ना कहीं हम पीछे रहे और जो सीटें हम उम्मीद कर रहे थे वो सीटें नहीं मिली। इसका हमें दो कारण सबसे बड़े लगते हैं, एक तो ये कि जो सेंट्रलाइज चुनाव था कि सारे मुद्दे केंद्रीय मुद्दे होंगे, उससे हट करके कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे भी यहाँ पे टच किए और उसका भी इफेक्ट दिखाई दिया। दूसरी बात क्या है कि जो प्रत्याशी थे, प्रत्याशियों का भी अपना क्या इफेक्ट है उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई दिया। फिर भी जो केंद्रीय नेतृत्व है इन सारी चीजों का मंथन करेगा, हम सरकार बनाएंगे तब भी हम मंथन कर रहे हैं और जीत रहे हैं तब भी मंथन कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा हम लोग नहीं पहुंच पाए जो आंकड़ा का लक्ष्य लेकर के हम लोग चले। एमपी की बात मैं कर लूं, बीजेपी को एक और सीट हासिल हो गई है, देवास सीट पर महेंद्र सिंह सोलंकी जीत गए हैं, एक और नंबर बढ़ता हुआ, एक और कमल खिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और जो गढ़ बचा सकती थी कांग्रेस, जिसमें राजगढ़ था, जिसमें छिंदवाड़ा था, यहाँ दोनों ही जगह परास्त हुए हैं, और अब ये माना जा रहा है कि जो 29 कमल खिलाने की बात मध्य प्रदेश बीजेपी में कही जा रही थी वो सार्थक होती हुई या वो सच होती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार अब जो स्थितियां हैं एमपी में 29 की 29 बीजेपी की तरफ ले जाते हुए इशारा कर रही है। वापस आइए केसी जैन साहब, आकलन कई है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप जो नंबर्स हैं क्या लीजिए आज आपको सुनना जरूरी है, क्या बताएंगे अपनी स्थिति का कारण। जी देखिए पारुल जी, अभी आपने मध्य प्रदेश का दिखाया, मध्य प्रदेश में 29 पे 29 हम जीत रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए आंध्रा में जिस प्रकार से बढ़े वहाँ पे 20 से 22 सीटें हम पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना विधानसभा में बहुत कमाल किया सर। जी सारे इफेक्ट भी कह रहा हूँ पारुल जी, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हमने कंसंट्रेट किया स्थानीय मुद्दों पर भी, ये नहीं कहिए कि यूपी में कंसंट्रेट नहीं किया आपने। जी यूपी में कंसंट्रेट नहीं किया ये नहीं कहिएगा। तो जहाँ पे स्थानीय मुद्दे जहाँ पे गौड़ रहे या कैंडिडेट का भी कई जगह पे प्रभाव रहा, एक तो अभी मतगणना चल रही, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो भी वो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बन जाती है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, वहां पे 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां पे सारी की सारी सीटें मिलती है। क्यों मिलती है? कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को जनता स्वीकार करती है, जो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है। लेकिन फिर भी चाहे आप देखिए कि जो वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से ममता जी ने खेल किया, ममता जी ने वही अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने का काम किया। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि ओबीसी का हक मार करके जिस प्रकार से मुसलमानों को हक दिया गया है उसको ममता जी ने सिरे से खारिज किया, उस आर्डर को खारिज किया, कहा कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, आर्डर को नहीं मानेंगे। यानी कि जनता को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए जिस प्रकार से ममता जी ने फिर से तुष्टिकरण का काम किया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के निर्देशों का भी विरोध किया, इन सारी चीजों का इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ा है। ठीक है, कई सारे कारण हैं। अखिलेश साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विशेषज्ञ। अखिलेश सर बहुत बहुत स्वागत आपका, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, सपा के पास जा रही हूँ। नितेंद्र जी, कई सारे आरोप आप पर लगे, कई सारी बातें ऐसी कही गई जिसमें दो लड़कों वाली बातें भी कही गई, और उसके अलावा अब ये भी कहा गया कि ये गठबंधन कैसे चलेगा, बीएसपी नहीं अब आपके साथ, ये भी वोट शेयर्स को लेकर भी बात आई। मैं एक और बड़ी खबर सर बता दूं, मैं इस बात का जवाब आपसे लूंगी, रतलाम से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता चौहान ने विजय पताका फहरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अनीता चौहान विजय हासिल की है,
और रतलाम में कांतिलाल भूरिया हार गए, ये भी अपने आप में बड़ी हार है कांग्रेस की। कांतिलाल भूरिया एक बड़ा नाम मंत्री रहे और लेकिन ये सारे बड़े नाम ध्वस्त हुए कांग्रेस के एमपी में। ये कहा जा रहा था कि कांतिलाल भूरिया के सामने रतलाम में टफ फाइट है। जब हम भी इलेक्शन टाइम में फेजेस में जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बार बार कहा गया कि कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई है। लेकिन या लड़ाई जैसी भी है उसके अलावा भी बीजेपी का एक और कमल खिला है और 29 कमल की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती है एमपी में दिखाई दे रही है। वापस आ रही नितेंद्र जी, यूपी की चर्चा हम कर रहे हैं और ये बड़ी खबरों का सिलसिला इसी तरह से हमें बताना पड़ेगा क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और दर्शक उम्मीद से कि सब फटाफट चीजें उनको पता चले। नितेंद्र जी कहिए। जी पारुल जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाता और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। हाँ जी, उनके विश्वास की उतनी मेहनत और उनके संघर्ष अगले जीत है और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारी बहस हो रही है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है समाजवादी पार्टी। और निश्चित रूप से जिस तरीके के रुझान पूरे देश से आए हैं, मोदी जी के जाने का वक्त आ गया, मोदी जी को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। सपना बड़ा देख रहे हैं ना ये नितेंद्र जी, सपना बड़ा देख रहे हैं। अभी नंबर्स बीजेपी के पक्ष में ही है तो मोदी जी जाने वाले ही अभी नहीं कह सकते। हाँ, बधाई के पात्र, आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छा फिगर है यूपी में। मोदी जी, हाँ मोदी जी नंबर से बहुत दूर है, मोदी जी नंबर से बहुत दूर है और एनडीए गठबंधन में जबरदस्त बिखराव है। आप अपने सिस्टम को अपडेट करिए, आपको जानकारी होगी चंद्रबाबू नायडू दोनों इस समय इंडिया गठबंधन के संपर्क से दूर जा चुके हैं। अभी भी बिहार के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी से मिलने गए, उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया। सम्राट साहब ने मुलाकात करने से मना कर दिया, बोले मैं लंच करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी भी प्रधानमंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे शाम तक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ी टूटन, क्योंकि मोदी जी को नंबर गेम नहीं मिला, नंबर प्राप्त नहीं। बड़ी खबर एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है और अमित शाह ने जीतनराम मांझी को चर्चा के लिए बुलाया है। अब ये देखिए नंबर्स किस तरह से बढ़ाए जाएं और किस तरह से देखिए अब जो हो गया सो हो गया वाले कंडीशन में है बीजेपी और अब इन्हें आगे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, रणनीति बनानी है, इस पर काम कर रही है बीजेपी। तो नतीजों के बीच सियासी हलचल बड़ी तेजी से अब चीजें दिखा रही है और अब दिल्ली में जो एनडीए की बैठक और 3:30 बजे एक और बैठक है, ये भी आपको बताती चलूं कि एक और बैठक 3:30 बजे जो जेपी नड्डा जी के आवास पर होगी, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने जीतनराम मांझी को बुला लिया। अब यहाँ क्या किस नंबर्स के बीच में बात होने वाली है, क्या चर्चा होने वाली है, ये तमाम चीजें ये अभी कुछ दिन और भी चलेगी चीजें। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाँ जी नितिन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। नितिन जी हाँ देखिए, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नंबर घट रहे हैं, लोग अपना रंग बदल रहे हैं और इसका सीधा सीधा जीता जागता प्रमाण आपकी टीवी चैनल पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि थोड़ी देर पहले भगवा सदरी पहने थे, उन्होंने तत्काल अभी अपने भगवा सदरी उतार करके अपना रंग बदल लिया है। इसी तरीके से पूरे देश में रंग बदलने का दौर चालू हो गया है और देखते रहिए साफ कितने लोग रंग बदलेंगे। भगवा दिल गए पार्टी के जाने की, भगवा पीछे भी आपको दिख रहा है, जाने का समय आ गया। एक कबल खिल रहे पीछे आपको नहीं दिख रहा है, बारी बारी से जैसा बहुत टाइम है अभी हमारे पास, एक कबल खिल रहे ये नहीं दिख रहे हैं। आपने जो कीचड़ फैलाया है कीचड़ में कबल ही कबल खिल रहे हैं। ठीक है सर, वाचस्पति जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? वाचस्पति जी बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ छोड़ा उसके बाद पाया भी, लेकिन उतनी लंबी छलांग नहीं आई है, उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं हुआ, वहां तक आए हैं हाँ जहां बीजेपी को ये बता सकते हैं और आप भी खुद समझ सकते हैं कि ईवीएम सर हैक नहीं होती। जी
पारुल जी, सबसे पहले तो आप सभी को प्रदेश को मेरा सादर नमस्कार जी। और हमारे साथी केसी जैन जी को जय जितेंद्र, हमारे साथी नितिन जी को भी अभिवादन और राजनीतिक विशेषज्ञता को मेरा नमस्कार। हमने जो तय किया था, हमने जो सोचा था इंडिया गठबंधन ने, हम उसको 95% अचीव कर चुके हैं। जहां तक बात आज के प्राप्ति की है, हमें कहीं ना कहीं समालोचना करने की जरूरत है। हम कहीं पर अगर 100% पास हुए हैं, सर्वोत्तम अंकों से प्राप्त हुए हैं, जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर रिट्रोस्पेक्शन करने की भी जरूरत है। जैसे हमें हिमाचल प्रदेश में सोचने की जरूरत है, हमें मध्य प्रदेश में सोचने की जरूरत है, हमें और अन्य राज्यों में जैसे हमें झारखंड में भी सोचने की जरूरत है, इसके अलावा हमें उत्तराखंड में भी सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर हम उतना सोचा था वो हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। लेकिन और हमें एक और जो राज्य जहाँ हमें थोड़ा सा निराशा हुई है, वो है हमारा बिहार। हम जैसा उम्मीद कर रहे थे वहां से वो रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन हम ये निश्चित मान रहे हैं कि अभी रिजल्ट आने में, टोटल रिजल्ट आने में काफी वक्त है। लगभग सेटल डाउन होने में पूरा का पूरा लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, और हमें ये उम्मीद है कि हम लोग कम से कम 250 के पार जाएंगे। और जब हम 250 के पार जाएंगे तो स्वतः रूप से 15 से 20 सीटें बीजेपी की कम हो जाएंगी। जो सिलेंडर मार्जिन पे चल रहे हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां बहुत सिलेंडर मार्जिन चल रहा है, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे और अन्य राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिएगा। जहां तक अभी जैन साहब कह रहे थे कीचड़ की, उन सब बातें करने का समय समाप्त हो गया। कीचड़ तो सब इन्होंने इधर उधर का सब जाके इकट्ठा किया, और ये गर्मी चल रही है जिसमें कीचड़ सूख जाता है, कमल भी मुरझा जाता है। बड़ा अब मोदी जी को नैतिक रूप से सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो 370 की बात कर रहे थे और 400 बात कर रहे थे, ठीक है, वो अपने रैंक एंड फाइल को जीवित करने के लिए और उसको ऊर्जा देने, खाद पानी देने का काम कर रहे होंगे, लेकिन एक जो जनता के बीच में छवि उन्होंने प्रस्तुत की थी कि मोदी सरकार तीसरी बार और इस तरीके की सारी बातें, उससे जनता ने यह तय कर दिया है कि दंभ और घमंड की राजनीति नहीं चलती है। और उन्होंने जो 10 साल जो नॉन डिलीवरेंस दी है, उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ा। देखिए 303 सीट से अगर वो नीचे आए हैं तो निश्चित रूप से एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न भाजपा के लिए होना चाहिए। हम बड़े हैं, हम 55 से 100 अभी पहुंच रहे हैं, अभी आप इलेक्शन की वेबसाइट पे हम लगभग जा रहे हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना मीडिया पे हम लोग सवाल उठाते थे एग्जिट पोल पर, एग्जिट पोल झूठ हो गए हैं, जमीन पे मिल गए हैं, साक्षात लोग ये भुगत भोगी बोलते हैं ना। मैंने कितना सुना है आप लोगों से, कितना सुना है, अगर हम चुनाव आयोग के बारे में बात कर ले या हम ईवीएम को लेकर बात कर ले, तो आप लोगों ने क्या क्या साबित हो गया ना। कम से कम मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इट इज प्रूव नाउ और ये साबित हो गया है, और हमारी शंका निर्मूल नहीं थी। हमें मालूम था मशीनों में गड़बड़ और अभी हुई है, ऐसा नहीं है मशीनों में गड़बड़ हुआ है। जिन राज्यों में आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, नहीं बिल्कुल क्यों बोलेंगे, कांतिलाल भूरिया जी आज ईवीएम को छोड़ दीजिए, आज उसका जिक्र मत कीजिए, बिल्कुल क्यों छोड़ दें, नहीं नहीं क्यों छोड़ दें, अभी भी गेम हो रहा है, अभी भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। लखनऊ में आप देखिए किस तरीके से झरपट करने की कोशिश की भाजपा के लोगों ने, सपा के कार्यकर्ताओं के साथ, हाँ नहीं वही कोशिश की जा रही है, वही कोशिश की जा रही है कि डर के भाग जाए, काउंटिंग एजेंट भाग जाए, हम जो मन चाहे वो कर ले। लेकिन जो जागरूकता, सतर्क रहे, सावधान रहे, ये सारा कुछ 17C जो अवेलेबिलिटी और उस पर जो जागरूक हमारे एजेंटों को किया गया, उसका ये फलाफल है, कि ये कुछ कर नहीं पाए। ठीक रहा फोड़िए चुनाव आयोग या ईवीएम पर, आज खुश रहिए क्योंकि बहुत ठीक रहा फोड़िए, 1 करोड़ वोट इन्होंने बढ़ाए हैं भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। शेर और शायरी में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त मशगूल रहे हैं, शेर और शायरी के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया, लगातार मंगल सूत्र मछली लगाने का प्रयास हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं किया। जो उसको सवाल तो उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे, बार बार उठेंगे, क्यों आखिर वो चुप रहे, जब इतनी सारी धार्मिक भावनाओं को दलित करने का प्रयास किया जा रहा था, पाकिस्तान ये वो जिन्ना ये सब चीजें जब आ रही थी, तो उनको रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका गया। अच्छा
अखिलेश जी मोदी जी के कठपुतली है वो साबित हुआ, अभी भी कठपुतली है वो, मुझे लगता है आज तो भी कठपुतली है। और ये अब जो अब तक आपके जो आरोप थे कम से कम अगर कर पाते कोई तो फिर ये नंबर भी आपके नहीं आते, अगर कोई कर पा रहा होता हमारे नंबर भी नहीं, हमारे नंबर चार आपकी मेहनत है, हमारे नंबर 350 होते, जनता ने आपको स्वीकार किया, जनता का जनादेश है और जनादेश की रिस्पेक्ट करिए सर, अब मत चुनाव आयोग को जनादेश का अपमान हो रहा है, जनादेश का अपहरण हो रहा है, अभी भी अपहरण हो गया और आपने इतनी सारी सीटें जीत ली, बिहार में इतनी सारी सीटों पर आप बढ़त बनाए हुए, अपहरण हो रहा है क्या बिहार में हुआ है, ठीकरा किस पे वाचस्पति जी हुआ है, नहीं अब आप इतना अब दुखियारी वाली बातें मत कीजिए अखिलेश जी, क्या आकलन सर आपका 32 सीटें सर बीजेपी को अगर हम लोग सजग नहीं रहते प्रभु बेट देखिए जैन साहब, जैन साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, आज एनर्जी आपकी हाई है, जो आपका हाई है मैं समझ सकती हूँ, अब कहा सर फोड़ेंगे ये सोच रहे नहीं चाहिए ना आपको, नहीं रुक जाए प्लीज, हम लोग प्रभु आप बहुत आज एनर्जी लेकर आए, जोश लेकर आए, थोड़ा सा रुकिए बाकी गेस्ट है हमारे, अखिलेश जी प्लीज बोलिए सर, क्या क्या आकलन सर, ये मेरे मेरे समय का अतिक्रमण हो रहा था, अच्छा हुआ पारुल जी अपहरण अभी हो चुका है सर ईवीएम का, लेकिन जीत रहे हैं यूपी में नंबर अच्छे लेकर आ रहे, मुझे मुझे ये लग रहा था समाजवादी पार्टी और उनका जो अलायंस है वो संतुष्ट होगा उनकी जो मेहनत है उसका परिणाम दे करके, लेकिन ये सब तो अभी भी लगातार चीरहरण पर जुटे हैं उसकी ईवीएम मशीन की, मुझे लगता है कि उससे बाहर आना चाहिए और मुद्दे की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, दो तीन बातें मैं आपको रखना चाहता हूं, एक तो ये है कि ये जो परिणाम है ये ध्रुवीकरण का परिणाम है, जो इंडिया अलायंस के फेवर में आपको सीट्स दिख रही हैं, रुझान दिख रहे हैं, वो ध्रुवीकरण है एक तरह का, उसकी वजह से ये स्थिति हुई है। दूसरा ये है कि इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि मुद्दों से ज्यादा अफवाहों को तरजीह मिली है, और इस वजह से भी ये जो विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय गठबंधन के इनके जो विपक्षी लोग हैं इनको सफलता अपेक्षाकृत अधिक मिली है। अपनी जीत के बाद ये दो कारण बस रोक रही हूं आपको, अपनी जीत के बाद कंगना रनौत का बयान सामने आ रहा है, वो मैं अपने दर्शकों को सुना दूं, वापस आप ही से शुरुआत होगी, छोटा सा बयान है उनका सुन लेते हैं, कंगना रनौत चलिए वापस आती हूँ जब तक हमारी टीम उसे, हाँ जी सुनी, अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, तो निश्चय ही बात है हमने जो हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है, और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए, और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीजें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का वो हम डिस्कस करते रहेंगे, आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा, और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा, धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर दिया, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं, बहुत सारे जो काम हैं वो जब कांग्रेस के एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं, और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ चलिए वापस हम चर्चा की तरफ रुक कर रहे हैं, कंगना रनौत को आप सुन रहे थे जो बात कर रही हैं कि हर एक विधानसभा की अपनी अपनी मांगे हैं, वहां पर काम होगा, अखिलेश सर आप कंटिन्यू कर लीजिए सर, अखिलेश सर जी अभी जो मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है कि नहीं बनती हुई दिख रही है, और उसकी जो इस चुनाव में अपेक्षाएं थी 400 पार की
वहां तक न पहुंचने के क्या कारण हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इस पर सकारात्मक चर्चा इस समय होनी चाहिए, और मैं जो समझ पा रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हुआ है वोटर्स का, यादव मुस्लिम, और एक जो ये अफवाह रही इस पूरे चुनाव में, मैं देख रहा हूं कि मुद्दों से ज्यादा अफवाहों पर ये चुनाव हुआ है, और एक जो विषय विपक्ष के लोग लेकर के आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि ये इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं, इन्हें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि ये संविधान को बदल दें, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस जो ये इनका वक्तव्य था विपक्षियों का, उसकी वजह से ये परिणामों में असर पड़ा है। जो सीट उत्तर प्रदेश में इनकी बढ़ी है, इसमें इसका बड़ा रोल मुझे दिखाई दे रहा है। सुजीत सर, आपका आंकलन क्या कहता है, क्योंकि कई फैक्टर्स पर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि एक जो केजरीवाल जी छोड़कर गए थे गुफा, की योगी जी को बदल दिया जाएगा अगर ये जीत जाते हैं, तो ये कहा गया कि राजपूतों की नाराजगी, पेपर लीक मामला तो अपने आप में था ही, लेकिन कुछ ऐसी अफवाहें जो जनता को कहीं ना कहीं एक सोचने पर मजबूर किया। पारुल जी, सबसे पहला शब्द आपने कहा है क्षत्रिय, क्षत्रियों की नाराजगी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख गई है स्पष्ट। पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सूबा साफ हो गया है, पर क्षत्रियों के साथ अन्याय किया गया तो उसके परिणाम आपके सामने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। और निश्चित रूप से क्षत्रियों का मानसिक दमन किया गया, उसी के परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है। आप देख लीजिए, पत्रकारों पर आ जाइए, पत्रकारों के लिए ऐसे 99% पत्रकार छोटा और मझोला पत्रकार है इस देश में। पत्रकारों के लिए ऐसे कानून ला दिए गए हैं कि जून का महीना आ गया है और अभी तक उनके रिटर्न नहीं दाखिल हो पा रहे, क्योंकि इतनी पेचीदगियां फैला दी गई हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं से छोटे छोटे जो पत्रकार हैं वो भी असंतुष्ट रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह की बड़ी जीत हुई है, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार लीड बनाए हुए थे और अब उनका फाइनली जो क्लियरेंस आया है वो जीत गए हैं। जी सर, सुजीत जी, आप राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर जब बना था तो पूरे देश ने इसको स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में जो पहली लिस्ट आई 51 की, उस 51 की लिस्ट के बाद में लोगों ने यही कहा, अभी भूखे कहां कुछ पा रहे हैं, जो खा रहे थे वही खा रहे हैं। आपके सामने परिणाम है, आप सीतापुर का परिणाम देख लीजिए, आप ही के इसी टीवी पर डिबेट हुई थी कि ये टिकट कट रहे हैं और उसके बाद में वो टिकट दे दिए गए। तो इस तरह के तमाम उसके बाद में ऊपर से तमाम प्रत्याशी थोप दिए गए। श्रावस्ती हार रहा है इस नाते से क्योंकि वो एक राष्ट्रीय आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी के पुत्र थे। आप केशरीनाथ त्रिपाठी को इलाहाबाद में देख लीजिए, उनके पुत्र को टिकट दे दिया गया। मतलब सेवा और राजनीति का कोई मतलब नहीं, जो विभिन्न क्षेत्रों से आया वो सांसद बनकर के पार्लियामेंट में बैठेगा, नेतृत्व कर लेगा। तो जो ये जब चीजें रही हैं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक बहुत बड़ा भूभाग आपका जो है बलिया, गाजीपुर, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ है, यहाँ के मैक्सिमम लोग सेना में होते हैं, इन वहां अग्निवीर का बहुत। तो जो आपको बहुमत मिल गया है, आप उत्तर तो आप मनमानी करेंगे तो उसके परिणाम आपके सामने हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो भी अब तक सीटें मिली, योगी आदित्यनाथ को हटाने का भी एक मुद्दा इस उत्तर प्रदेश में खूब घूमा और वो और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। अगर योगी आदित्यनाथ के मामले में बाद में तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मंचों से योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते रहे छठे और सातवें चरण में, लेकिन पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और एक में कहीं भी योगी आदित्यनाथ प्रासंगिक नहीं थे। जबकि उत्तर प्रदेश में जो भी वोट मिला है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के परिणाम है, वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के नाते है और किसी नाते से नहीं है। रुझानों में 293 पर एनडीए और 233 पर इंडिया अलायंस दिखाई दे रहा है, इन्हीं रुझानों से के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और केसी जैन साहब से आपसे आपकी बातों का जवाब ले रही हूं, क्या वाकई छत्रियों की नाराजगी थी, टिकट बंटवारा आपका सही नहीं हुआ और अखिलेश जी ने टिकट बंटवारा जब किया तो काफी सूझबूझ के साथ, जहां लगा कि ये गलत लग रहा है, कैंडिडेट वहां बदला भी, और उस पर भी हमने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों 3-3 बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, वो रणनीतिक चीजें थी उनकी। केसी जैन साहब जी, देखिए पारुल जी, अभी आदरणीय अखिलेश जी ने जो बात कही कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें रहीं, कई सारे मुद्दे रहे, उनमें से एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो र्यूमर फैलाया गया, जो अफवाह फैलाई कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का आता है और वास्तव में अगर 400 पार होते हैं तो ये संविधान बदल देगी, और संविधान को लेकर के किस किस तरीके से बातें हुई इसके पहले भी, कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी सवाल खड़े किए गए,
ईडी सीबीआई पे सवाल खड़े गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन न्यायपालिका पे सवाल खड़े किए गए, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए गए, ईवीएम मशीन पे सवाल खड़े किए गए, तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन पे सब पे सवाल विपक्ष ने खड़े किए, और जो रिवर फैलाया हो सकता है इसका इफेक्ट रहा हो। लेकिन एक चीज और भी है कि अभी आदरणीय सुजीत जी ने जो बात कही कि कैंडिडेट चुनाव में कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहा, क्योंकि केवल मोदी जी के नाम पर, केवल मोदी जी के काम पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट का भी इफेक्ट है। तो जिन कैंडिडेटों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं किया, दो बार तीन बार लगातार सांसद रहे, और या फिर कहीं ना कहीं उनकी एंटी कैंपेनिंग रही काम करने के बाद, ये आप कह रहे हैं, ये मुझे ताज्जुब हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी फैक्टर पर विजय मुमकिन नहीं थी आपकी, आपको कैंडिडेट पर भी ध्यान देना चाहिए था, ये आप कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैं आ रही हूँ अभी वापस आपके पास, आप अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ साथ देखिए मोदी जी का इफेक्ट रहा, अगर मोदी जी का इफेक्ट नहीं होता तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जीत गए, कैसे जीत गए 29 की 29 सीटें। और अभी कंगना रावत जी का आपने बयान सुनाया, वो न तो सांसद थी न विधायक थी, उन्होंने अब तक कोई काम किया, किसके नाम पर जीती, मोदी जी के नाम पर जीती, स्वयं करिए मोदी जी के नाम पर जीती। मध्य प्रदेश में तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत है ना सर, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य तो आधी कांग्रेस ही समाप्त हो गई थी, वहां पर कहा जा रहा था ग्वालियर पारुल जी, जिस प्रकार से तुष्टिकरण किया गया, जिस प्रकार से मोबिलाइजेशन किया गया, जिस प्रकार से तुष्टिकरण किया गया, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण किया गया, आप देखिए रोकना होगा आपको, रोकना होगा मुझे केसी जैन साहब, थोड़ा सा रुकिए, मैं लौटूंगी, वापस आ रही हूँ सर, वापस आ रही हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते। रोल करो, बीजेपी एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर जी। सर किस तरीके से देखते हैं ये सरकार फिर से बनने जा रही है, एक बार फिर मोदी सरकार, आपने कहा तो जो मैंने कहा था वो सिद्ध दोहरा के नहीं हो रहा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के लिए रहेगी। 29 को 29 सरकार, इसे धन्यवाद, सबका जनता का आभार। हमारे साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने 29 को 29 कमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी भोपाल। और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है 5 बजे, राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं, सहयोगी पार्टियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए अब नंबर जुटाने की जो मशक्कत है वो शुरू हो गई है, रणनीति स्ट्रैटेजी तरीके से प्लानिंग करके अब राजनीतिक दल अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, सहयोगी दलों के संपर्क के साथ 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम वापस दोबारा चल रहे हैं अपने मेहमानों की ओर, और अब चर्चा करें, और ठीक है वाचस्पति जी आपके पास आ रही हूँ, दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी, उम्मीद की जा सकती है जो नंबर्स हैं आपके पास अच्छे खासे आने वाले हैं या आ गए हैं, जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या बताने वाले राहुल गांधी जी, क्या बताएंगे आप, क्या लगता है? सबसे पहले तो वो जनता को साधुवाद देंगे, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उस पर जो जनता ने मोहर लगाई है उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा जनता की जानी चाहिए, और हमने जो वादे किए थे और हमने न्याय पत्र में जो कुछ कहा था हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार में उन सब वचन पत्रों को पूरा करेंगे। पहली बात तो ये, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले, 10-10 सेकंड की मैं टिप्पणी ले लूं सभी से, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ बढ़ूंगी। ठीक है अखिलेश जी, 10 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे आप, जो नंबर्स आ रहे हैं सर, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां नंबर्स इकट्ठा करने के लिए बीजेपी भी अपनी ताबड़तोड़ कोशिशों में लगी हुई है। अखिलेश जी नहीं, दोनों लोगों के लिए कोई ऐसा अवसर मुझे दिख नहीं रहा है। 292 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होने वाली है सरकार गठन को लेकर के। सरकार उन्होंने मेहनत की है, और जो नंबर्स आए हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत तो देते हैं। सुजीत जी जी सुजीत जी सर म्यूट कर लिया आपने शायद डिवाइस। पारुल जी आप प्रश्न दोहराएंगी? जी मैं सर आपसे बोल रही हूँ, राहुल गांधी पीसी करने वाले हैं और नंबर्स नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कम से कम उनकी मेहनत का कुछ तो सिला मिले उनको, जीत तो नहीं पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे। नहीं सरकार तो उनकी नहीं बन रही है, उस नाते से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई बहुत विशेष मतलब तो नहीं है,
लेकिन लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो हुआ है, और हिंदुओं का जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो प्रत्याशियों के को ले प्रत्याशियों के लेकर के असंतोष जी। ठीक है ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास वापस। नितेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। देखिए खास तैयारी हमारे दर्शकों के लिए अनादि टीवी की टीम ने कर रखी है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त जो स्थितियां हैं, खासतौर पर उम्मीदवारों को लेकर, कौन आगे कौन पीछे कौन जीता, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए नेक्स्ट स्टूडियो का रुख कर रहे हैं, जहां से मेरे सहयोगी अस्मिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन वो व्यूअर्स को देने वाली है। अस्मिता जी पारुल, लगभग 4 बजने को है और कहीं ना कहीं यहाँ पर रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं हम हमारे दर्शकों को बताते जा रहे हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है, प्रत्याशियों की जीत का फैसला हो गया है, तो हम उन सीट वाइज बात कर लेते हैं कि कौन सी सीट पर अब तक क्या कुछ फैसला हुआ है। तो सबसे पहले हॉट सीट, सबसे इंपॉर्टेंट सीट जिसकी हम बात करें, जो कि है गांधीनगर सीट गुजरात की, यहाँ पर अमित शाह बहुमत के साथ जीत चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को इन्होंने हरा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल को हरा कर बहुमत से जीत चुके हैं। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारी जो उत्तर प्रदेश की सीट है, लखनऊ सीट। यहां से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर एक बार जीत चुके हैं, रविदास मेहरोत्रा को जो है इन्होंने हराया है। और आपको बता दें कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सभी कॉम्पिटिटर्स को हराकर एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत इन्होंने हासिल की है लखनऊ से। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट आपको बता रहे हैं कोटा सीट। यहां पर भी ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री ओम बिरला जीत चुके हैं और बहुमत के साथ इन्होंने जीत हासिल की है और कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को हराकर फिर से एक बार जो है अपनी जगह यहाँ पर बना ली है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की हम बात कर लेते हैं मंडी सीट, सबसे ज्यादा हॉट सीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस बार मैदान पर थी और कंगना रनौत ने बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है विक्रमादित्य सिंह को। बड़ी लीड है कंगना की, बड़ी लीड के साथ कंगना ने हार चुके हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं, हमारी अगली सीट है जो की है मंडला सीट। अगेन मंडला इज वेरी हॉट सीट क्योंकि यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे मैदान में बीजेपी की ओर से और इस बार ये जीत चुके हैं, विधानसभा का चुनाव हार चुके थे लेकिन एक बार फिर से इन पर विश्वास जताया गया और कहीं ना कहीं विश्वास जताना सफल साबित हुआ, जीत चुके हैं बहुमत के साथ। अगली सीट की बड़ी लीड है, ये बड़ी लीड है और बड़ी लीड के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि ये सीट फंस रही है बीजेपी की मंडला सीट, लेकिन उसके बाद बड़ी लीड के साथ वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ स्मिता बिल्कुल, कंटिन्यू। अगली सीट की बात कर लेते हैं इंदौर से, जहां इंदौर में शंकर लालवानी, देखिए इंदौर में रास्ता क्लियर था, साफ था, शंकर लालवानी ने यहां पर जीत दर्ज की है बहुमत के साथ, भारी लीड से ये जीते हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं, अगली सीट हम आपको बता रहे हैं विदिशा सीट। विदिशा अगेन इज अ वेरी हॉट एंड इम्पॉर्टेंट सीट, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे और यहाँ पर भी ये भारी लीड के साथ, भारी मतदान के साथ इन्होंने जीत हासिल की है और प्रताप भानु शर्मा को हरा दिया है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, अगली सीट है हमारी खजुराहो सीट। अगेन वीडी शर्मा के लिए यहाँ पर क्लियर चिट थी, भारी लीड के साथ ये भी यहाँ पर जीते हैं और अच्छे खासे वोट इन्हें मिले हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं हम, अगली सीट जहां पर मुकाबला कड़ा था वो है टीकमगढ़ सीट। टीकमगढ़ सीट से वीरेंद्र खटीक जीत चुके हैं और जो है कमल का फूल यहां पर इन्होंने खिला दिया है, पंकज अहिरवार को हरा दिया है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट जो की है जहां पर जीत हार का फैसला अगेन मंडला की अगर हमने बात की, फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ पर जीत चुके हैं, विधानसभा हार चुके थे लेकिन जो है यहाँ पर जनता ने उनका साथ दिया है। बिल्कुल, मंडला सीट के बारे में भी बताया और तमाम हाई प्रोफाइल हॉट सीटें जिन पर नजर लगभग देश की बनी हुई थी और अमित शाह साहब की भी सीट का जिक्र हमने किया। वापस हम चर्चा की तरफ रुक कर लेते हैं और राजनाथ साहब भी अपनी सीट जीत चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, और उसी के साथ कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जिन पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने, लेकिन कई ऐसी बड़ी सीटें, बड़े नाम भी इस चुनाव में ध्वस्त हुए हैं। और चलिए सीधा लिए चलते हैं अब आपको, शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं शरद पवार आपको सुनवाते हैं। आजी सुरुवात तिथं झाली होती आणि प्रचार करू न करू तिथला सामान्य माणूस जो आहे, नागरिक जो आहे, त्याची मानसिकता काही मन ठरते आम्ही जाऊ अथवा न जाऊ तो योग्य संन्यास घेतो आणि घेईन याची खात्री आम्हाला मिळते आणि मला वाटतं आता किती किती शक्य किती 18-20
18वीं राउंड चालू है ना सोलावी राउंड पब्लिश झाली हां पब्लिश सोलावी झाली किती झाली वाराणसी विधानसभेचे समर्थक आहे दहाव्या राऊंडला 22,000 होता आता 35,000 पुढे लीड असेल बारामती विधानसभा एका विधानसभेमध्ये 35,000 पुढे आता लीड असेल आणि बाकीच्या मतदारसंघाच म्हणजे बाकीमध्ये पण लीड आहे खडकवासला थोडस कमी आहे बाकी सगळे लीड आहे बाकी सगळे तालुके गेल्या वेळेस पेक्षा खडकवासला चांगला चले अब आगे की रणनीतियां बनना शुरू होंगी जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे और बाकी हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम वापस रुख कर लेते हैं। अब चर्चा ये हो गई है सुजीत सर कि अब जो नंबर गेम है उसके साथ तो सारी चीजें हैं ही लेकिन उत्तर प्रदेश जिसके लिए कहा जाता है कि पूर्वांचल फतेह किया आपने दिल्ली का रास्ता तय किया कुंजी पूर्वांचल में फंसती है यूपी की 80 सीटों पर आपने बहुमत हासिल किया तो आप दिल्ली का रास्ता तय कर लेते हैं और अगर आप कह रहे हैं कि सरकार इंडिया अलायंस की नहीं बन रही है तो फिर ये किंवदंतियां ये मिथ हो जाएंगे। नहीं अभी एक खबर आ रही थी कई मीडिया में कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके इंडिया में जा रहे हैं अभी तो समीकरण बाद में तय होंगे कौन कहां जा रहा है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनको दोनों बहुत महंगा पड़ा है और इनकी तमाम ऐसी नीतियां रही हैं राम राज्य में राम राज्य निचले स्तर के लोगों के लिए जो 2.5% वोट उनका कम पड़ा वो 2.5% वोट कम क्यों पड़ा ये भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करना चाहिए। फैजाबाद में भी स्थिति ठीक नहीं है और इनकी जो सीटें जो इनकी लीडिंग है वो लीडिंग बहुत कम वोटों से है भारतीय जनता पार्टी की और जो इनकी घटत है वो ज्यादा वोटों से है अधिकांश सीट अधिकांश जगहों पर। आप एक सीतापुर का उदाहरण ले लीजिए जहां के सांसद पिछले 5 सालों में उन्होंने 25 पत्र नहीं लिखे होंगे जनता के लिए वो चुनाव हार रहे हैं उनका टिकट कटना चाहिए था। देखिए कैंडिडेट में थोड़ा सा शायद दिक्कतें हुई हैं गलतियां हुई हैं कैंडिडेट के चयन में और सिर्फ आप गाजियाबाद को ले लीजिए जहां 5.5 लाख वोट की जीत थी वहां पर वो 2 लाख से कम की जीत पर सिमट जाएगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके परोस दिया सबको ये कहीं ना कहीं से दिक्कत भरा रहा है। दिखाइए केसी जैन साहब को दिखाइए केसी जैन साहब जवाब आप इसे लेना होगा और क्योंकि इतनी डाउन जाकर ये नंबर सामने आएंगे ये किसी को विश्वास नहीं था। एग्जिट पोल तो अपनी जगह थे लेकिन कई जगहों पर जहां हमारी भी टीमें थी वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि इतने नंबर्स तो कम नहीं आने वाले वोट मार्जिन इधर उधर हो सकता है लेकिन अभी तो 32 और 45 इंडिया 45 पर लीड लेता हुआ चल रहा है सर रुझानों में और वही अभी बता रहे थे सुजीत जी कि कैंडिडेट चयन में बहुत सारी खामियां रही जिसे अनदेखा किया गया मुद्दों को भी अनदेखा किया गया हवा जो थी उसको समझा नहीं गया। जैन साहब इसका चार्जर दिया था लाने के लिए। जैन साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही आवाज मिल रही है हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है सर आपकी आवाज कही जल्दी से ले आओ और पावर बैंक में बाकी सभी आप लोगों की भी ऑडियो लाइन पर है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए या म्यूट कर लीजिए अगर आप पारुल जी। हाँ देखिए मुख्य बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जो भी कमियां रही या जो भी चीजें रही उनका मंथन केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल करेगा जरूर करेगा लेकिन एक चीज एक बड़ा फैक्टर रहा जिस प्रकार से पोलराइज करने का काम किया गया इस चुनाव में पोलराइजेशन जिस प्रकार से किया गया हिंदू मुस्लिम को खास करके मुद्दा बनाया गया उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा रहा। हम आपसे चर्चा कर रहे थे बात दो तीन बार हमारी बात कट गई कि आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में ममता जी ने जिस प्रकार से तुष्टिकरण का काम किया और हाई कोर्ट के निर्देशों को खारिज करने का काम किया और उसका विरोध जो लोग ओबीसी की बात कर रहे थे उन लोगों ने भी उसका विरोध कहीं पे नहीं किया। क्या अखिलेश यादव जी ने कहीं भी विरोध किया कि नहीं ओबीसी का यहाँ पे हक मार करके आप मुसलमानों को क्यों दे रहे? क्या कांग्रेस ने कहीं भी विरोध किया? नहीं किया। जबकि कांग्रेस का और ममता जी का कोई अलायंस भी नहीं था अलायंस होते हुए भी कोई अलायंस नहीं है फिर भी उनके पक्ष में उनके समर्थन में ये लगातार दिखाई दिए। तो ये जो कुछ चीजें रही उसका असर जरूर रहा लेकिन एक चीज है आपको लगता है मायावती फैक्टर को भी आप लोगों ने लूज बॉल समझा? नहीं पारुल जी देखिए हम कहीं पे हम थोड़ा सा बैक में उससे ज्यादा कहीं पे बड़े भी कई सारे प्रदेशों में
हमने बढ़त भी हासिल की। आप देखिए आंध्र प्रदेश में हम 20 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं, वहां पे हमने बढ़त भी हासिल की। इसी तरीके से अन्य कई प्रदेशों में हमने बढ़त भी हासिल की है। अगर कहीं पे कुछ कमी आई, उसके साथ साथ जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में भी हम लगातार जीत रहे हैं। आप देखिए उड़ीसा है, अरुणाचल है, आंध्र प्रदेश है, ये किसके ऊपर जीत रहे हैं? ये कहीं ना कहीं मोदी जी का ही प्रभाव है। 3 जगहों पे हम जीत भी रहे हैं। के बाद लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली पहुंचे हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को जानकारी दे दें तो देखिए नतीजे अभी आ ही रहे हैं और इस बीच मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अभी सुजीत जी भी बता रहे थे कि चर्चा ये हो रही है कि ऐसा ना हो कि नीतीश जी एंड टाइम पर यहाँ से वहां हो जाए। और खबरें सोशल मीडिया पर भी दौड़ रही हैं कि उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऑफर किया है। अब क्या हलचल होती है, किस तरह से चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। केसी जैन साहब कंप्लीट कर लीजिए सर जी। फिट रहा लेकिन उसके बाद में भी जनता ने सराहा है, जनता ने हमको चुना है और केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके बाद में भी अगर कुछ कमियां आई हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उसका मंथन करेगा और हम फिर से एक बार जनता ने जो हमको जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। विधानसभा के विपरीत रहा ये प्रदर्शन सर पारुल जी, देखिए अलग अलग चुनाव का अलग अलग होता है, यही चीज तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह रही थी और कहीं ना कहीं इन चीजों को मान के चलने से हमारा नुकसान भी हुआ कि इसको केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा केंद्रीय चुनाव मान करके जो स्थानीय चुनाव था उससे हमने अगर जोड़ करके देखा होता 400 तो पार का नारा भी आपको बाउंस बैक दे गया, आपका वोटर निकला नहीं बाहर ऐसा? नहीं नहीं पारुल जी ऐसा नहीं है, वोटर हमारा निकला लेकिन क्या है कि आप देखिए जैसे मध्य प्रदेश में और गुजरात में हमको बढ़त मिली, इसलिए बढ़त मिली क्योंकि हमने वहां पे स्थानीय मुद्दों को भी टच किया, लेकिन जहां जहां स्थानीय मुद्दों को कहीं ना कहीं बहुत महत्व नहीं दिया गया उसका भी इफेक्ट रहा, लेकिन इन सारी चीजों का मंथन जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन जिस प्रकार मंथन चिंतन का दौर, मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, उस तरीके से तो हम भी कह सकते हैं कि लास्ट तक रिजल्ट आने दीजिए, हम 350 अब देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी तो हताशा और निराशा की बात किसी ने कोई विरोध नहीं किया, आप जब बात कर रहे थे कोई टोका टोके नहीं, तो थोड़ा सा हम इंतजार करें अपनी बारी। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि ये लोग सुनने नहीं चाहते, इनका जरा सा नाम लो परेशान हो जाते हैं, मिर्ची नहीं चाहती है। आपको परेशान हो रहे हो, अभी अभी आपने रंग बदला है, रंगी उतार के फेंकी हुई है। अब आप रंग बदलने का काम सुपाल जी ने किया, अपर्णा यादव ने किया, अशोक वाजपेयी ने किया। डिंपल यादव की जीत मैनपुरी से, बड़ी खबर दर्शकों को दे रहे हैं। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने 189,000 मतों से लीड लेते हुए जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह हार गए हैं। यादव परिवार का एक और गढ़ मैनपुरी उन्हीं के पाले में, 189,000 मतों से मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत दर्ज कर ली है। ठीक है, ये भले ही 80 में से 80 सीटों का नारा था लेकिन कुछ चीजों पर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ सीटें जो है वहां पर कितना भी कुछ कीजिए लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा और डिंपल यादव की जीत 189,000 मतों से हुई है। ये मस्जिद पे बता दीजिए चुनाव आयोग को भरोसा बना के नहीं बना है, ये मस्जिद पे भरोसा है कि नहीं है। तू मैं की डिबेट से बचिए सर प्लीज। ये क्या तरीका है भाई, अपनी बात रख रहा हूँ मैं, तुम पागल तो दिखा रहे हो। नितेंद्र जी अपनी बात रखिए कि नहीं है, समय हो जाएगा सर, फिर नहीं है। एक सेकंड प्लीज, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए एक दूसरे पर, पर्सनल अटैक पर मत आइए प्लीज, देखो हम मेंटेन कीजिए, मर्यादाओं का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी आदमी को गाली देते के भगाऊंगा आदमी को, अभी सीख रहे हैं पत्नी आदमी ट्रिक कर रहा है, बात करेगा सूतिया साले बदतमीज बेवकूफ तरीका। दोनों को डिस्कनेक्ट कीजिए, बदतमीजी हो रही है आप।
ये बदतमीजी हो रही है, अब बदतमीजी हो रही है। आप लोग भूल गए हैं कि आप लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, आप भूल गए। रुक जाइए, दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये थोड़ा सा मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका घर नहीं है, आपका कोई कार्यालय के बाहर कुछ हो नहीं रहा है जहाँ पर आप लोग अपनी मनमर्जी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाचस्पति जी रुक जाइए, जैन साहब आप भी रुकिए, जैन साहब रुकना पड़ेगा प्लीज, और नितेंद्र जी आपको भी, पर्सनल अटैक नहीं और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए शब्दों का सही चयन कीजिए। तुम मैमे वाली डिबेट नहीं सर, वरना आप क्विट कर लीजिए, क्विट कीजिए, बिल्कुल क्विट कीजिए। वाचस्पति जी दोनों की ऑडियो डाउन रखिए, वाचस्पति जी क्यों ऑन एयर दीजिए बस खाली। पारुल जी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव साइन हुआ है कि बसपा का अप्रासंगिक हो गई है, उसका सारा का सारा वोट लगभग इंडिया गठबंधन को मिला, खास तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को वापस अपना वोट आ रहा है, जिसकी वजह से सपा को भी उसका फायदा हुआ, ये आप निश्चित मानिए। चूंकि पिछली बार गठबंधन था तो वो आशातीत सफलता उनको नहीं मिली थी, इतनी सीटें उनको नहीं आई थी, इस बार के गठबंधन से ये सीटें आई हैं तो ये साबित हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी शरद पवार जी की अभी अभी बात हुई है चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, और इसके साथ साथ आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे चाचा जी जो हैं उनसे भी बात हो गई है, 15-30 सीटें माइनस कर लीजिएगा, लगभग लगभग माइनस कर लीजिए, अब 292 में से घटा लीजिएगा कितनी सीटें बचती हैं, तो कोई भी सरकार बन सकती है। सात पर आप आगे चल रहे थे, अभी अभी कांग्रेस की जो 17 सीटें उनमें 7 पर आप आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे सर, कुल मिलाकर हम 100 सीटों पर अभी आगे हैं, और ये 238 तीन जीत गए हैं तो 241 सीटों पे केवल बीजेपी आगे है। सुन लीजिएगा पारुल जी, पूरा फिगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से कोट कर रहा हूं, देख रही हूं सर। हाँ, आप बोल लीजिए। जीत चुके हैं और 238 सीटों पे ये अभी लीडिंग पोजीशन पे है, और INC जो है वो 98 सीटों पे लीडिंग है और एक सीट जीत चुकी है, और कुछ सीटों पे इधर उधर हो सकता है। तो कहने का मतलब हमारा आशय ये है कि पूरा अगर टोटेलिटी में जोड़ लें तो 234 सीटें हम ला रहे हैं जो दिख रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। शुभकामनाएं आप दोनों को, अब आगे किस तरह के नंबर्स इधर उधर होते हैं, कितने नंबर्स आप जुटा पाते हैं, ये समय के साथ पता चलेगा। मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए थे, 80 सीटें, लेकिन जो प्रदर्शन सपा ने और इंडिया अलायंस ने किया है वो वाकई काबिल तारीफ, क्योंकि इतना अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। और वहीं हम बीजेपी की बात करें तो 32 के आगे बीजेपी अभी नहीं बढ़ी रुझानों में, हालांकि नतीजे क्या होंगे हमें इंतजार करना होगा, लेकिन एकदम से ये बहुत बड़े नंबर्स में तब्दील नहीं होंगे, कुछ इसी के आसपास ही रह सकते हैं ये कहा जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए जहां से अपडेट्स आपको पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए कहीं इधर उधर आंकड़े नहीं हो रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं, ना केवल आपको नतीजों से रूबरू करा रहे हैं और उसके अलावा उन क्षेत्रों पर क्या हलचल है वो भी आपको बता रहे हैं। बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर है।